सुविधाओं के अभाव और खेल कोष की कमी के कारण खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जिले में खेल सुविधाओं के अभाव से खिलाड़ियों का SGFI नहीं हो पा रहा। बता दें, SGFI चयन के बाद ही खिलाड़ियों की टीम बनाई जाती है और उनका मुकाबला देश की अन्य टीमों से होता है। इस पूरे मामले में कलेक्टर का कहना है कि जो सुविधा उपलब्ध है उसमें ही खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। वैसे मैं स्पोर्टी करनी है और सीनियर गर्ल्स में सिर्फ मैं अकेली हूँ, तो रायपुर की टीम से बस खेलती हूँ। मैं सीनियर टीम से और जूनियर गर्ल्स में दो तीन गर्ल्स से बस हैं, तो सब रायपुर से खेलते हैं हम लोग। सर वही चीज़ है, कोचिंग ही प्रॉपर अगर मिले, कोच की बस समस्या हो जाती है यहाँ पर महासमुंद में। तो हमारे ही गेम नहीं, बहुत से और गेम है, तो मेन चीज़ वही कोच का ही बस प्रॉब्लम। अगर वो सही से मिल जाए हम लोग को प्रैक्टिस और कोचिंग तो बन सकती सर कोई बात। प्रॉब्लम कोच की है, NIS कोच हमारे जिले में केवल क्रिकेट में है, एक हैंडबॉल में है, उसके अलावा नहीं है। तो कोच बेहतर होने से खिलाड़ी बेहतर होते हैं। हम निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे कि हमारे राज्य के जो बेहतरीन प्रशिक्षक हैं उनको आमंत्रित करके कुछ सप्ताह में कम से कम एक दिन, दो दिन या महीने में दो चार दिन का एक उनकी उपस्थिति हो और उनका प्रशिक्षण करा करके हमारे प्रशिक्षकों को भी अगर वो बेहतर तरीके से प्रशिक्षित कर दें तो निश्चित रूप से इसमें सुधार आएगा। जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो धीरे धीरे निश्चित तौर पर हम सभी सुविधाओं को विकसित करने का पूरा प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में